से काम लेंगे, हमारे अपने ख्याल का आधार करें। मैं शफकत आबाद अवान साहब साबक सदर सरगुदा बार एसोसिएशन उनको दिल की यथाग्राम से गर्दन करता हूँ। उनके अपने तमाम दोस्तों के साथ तशरीफ ले गया है, मैं आप सम्मान में लूंगा। जाता है सर गो काजी गो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के उयूर वकला के इस अजीम इज्तमा के जरिए हम पाकिस्तान की आवाम को आज पुकारते हैं। पाकिस्तान की तारीख में वो लम्हे जब एक जानेब झूठ है और दूसरी जानेब सच है बहुत से हैं। आज एक ऐसा ही लम्हा हमारे सामने है। हमें झूठ को धुतकारना है, हमें सच का साथ देना है। जो फरेब और जबर का निज़ाम 8 फरवरी की शाम हम पर मुसल्लत किया गया, अब इरादा है कि उस निज़ाम को एक स्याह अदालत के ज़रिए पुख्ता किया जाए, उस पर पर्दा डाला जाए। जो आईनी तरामीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है, ये हर शराफत की लूट का इरादा है। आज के बाद अगर हम बाहर नहीं निकलते, अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, तो हम इस झूठ के पुष्पना बन जाते हैं। हमने ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना। पाकिस्तान के आवाम जानते हैं उनकी फलाह कहाँ है। सिंध का हारी जानता है, गुमशुदा बलोच जानते हैं, लहू लुहान पश्तून जानते हैं, गिरफ्तार पंजाबी जानते हैं। आज हमने कानून का साथ इसलिए देना है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कानून आइन और शराफत से मुंसलिक है। अगर कानून आइन और शराफत को हमने पामाल होने दिया तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस मुल्क में ना सरमायाकारी होगी, ना यहाँ नौकरियाँ पनपेंगी, ना यहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। हमारे बच्चे भागते रहेंगे, कभी कश्तियों के जरिए डूबते रहेंगे, कभी दरबदर होंगे सहराओं में। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस मौके की नज़ाकत को समझिए। ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं है, ये शराफत का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए। ये किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का मामला है, ये हमारे ज़मीर का मामला है। तो मेरी आपसे खुदारा ये दरख्वास्त है, अपने कमरों से बाहर निकलिए, अपने घरौंदों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।